से है जहां हमारे संवाददाता ने क्षेत्रीय चुरहुट विधायक सरदेंदु तिवारी से सीधी दुर्घटना पर बात की तो उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए शासन या प्रशासन दोषी नहीं है, बल्कि मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने मुस्तैदी से काम किया है। अब जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री दुख जता रहे हैं तो वहीं क्षेत्रीय विधायक प्रशासन को लाशें निकालने के लिए बधाई दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। तो अभी 4 दिनों से लगातार जाम चल रहा था, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग अभी तक क्या? मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया कि यदि ट्रेलर एक बार गिरा और उसकी बड़े उनके बड़े भारी भरकम वो होते हैं जिनको उठाने के लिए दो दो चार चार क्रेनें लग जाती हैं कई बार, और कई बार उठाते उठाते क्रेन भी पलट जाती हैं, ऐसी भी घटनाएँ यहाँ हुई हैं। इतने हैवी ट्रेलर रहते हैं तो उनको हटाने में समय लगता है। और जो आप जिस जाम की बात कर रहे हैं ना, वो जाम भी एक रुकावट होता है। कई जाम तो हर तीसरे दिन लगता है, हर तीसरे दिन लगने की संभावना घाटी पार करनी पड़ती है। इधर छुईया घाटी है, उधर मोहनिया घाटी है, उधर पिपराही तरफ से भी आई है आप मऊगंज से, तो भी चुरहट आने के लिए या सीधी आने के लिए आपको घाटी रीवा तरफ से उतरना ही पड़ता है। ये एक मार्ग है जो नहर के किनारे से होकर जाता है, लोकल लोगों के चलने के हिसाब से सड़क बनी है, जिसमें बस चलेंगी या ट्रक चलेंगे ऐसी कोई मंशा नहीं रही है। ये मजबूरी में उन्होंने आज पता नहीं ड्राइवर ने क्यों डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट किया तो एक ऐसी दुर्घटना आज के दिन होनी थी, लोगों को ये तकलीफ झेलनी थी। आज की घटना को क्या प्रशासन और शासन प्रशासन इसके जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती? इस घटना के लिए मैं प्रशासन को तो जिम्मेदार नहीं मानता, बल्कि प्रशासन को मैं एक काम के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस मुस्तैदी से राहत कार्य चलाया है, तुरंत यहाँ पर 15 मिनट के अंदर पहुँच जाना, और फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा जिला प्रशासन, पूरी उसकी रेस्क्यू की टीम, गोताखोरों, आपका क्या बोलना है? इसीलिए अभी केंद्र की सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है वाहनों को लेकर। जो भी पुराने वाहन हैं, जर्जर वाहन हैं, खराब वाहन हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो हो, उनको मार्ग से हटाना चाहिए, और इसीलिए नई स्क्रैप पॉलिसी आई है और उसके तहत अब ज़्यादातर वाहनों को हटाया जाएगा।